क्लास सिक्स अमेजिंग साइंस बुक और सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर फॉर द सेकेंड टर्म इज यूनिट नंबर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर टू, यूनिट नंबर टू, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी हैव टू नो द टर्म व्हाट इज रिप्रोडक्शन. ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, दैट इज दे मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन. जिस सारे लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स है, वो अपनी तरह की कॉपी एक बनाते हैं, अपनी तरह के न्यू ऑर्गेनिजम्स को पैदा करते हैं, और उन और जो उनके जो ऑर्गेनिजम्स को पैदा करना है उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं. सो रिप्रोडक्शन, जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमें ये जब रिप्रोडक्शन के बारे में हमें पता चल जाता है, तो फिर हमने जानना है व्हाट इज़ एक्चुअली सेल, क्योंकि रिप्रोडक्शन सेल के बगैर इम्पॉसिबल है. सो व्हाट इज़ एक्चुअली सेल? सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर सेल नहीं है तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. सो वी विल गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, ऑफ एनिमल सेल एज वेल एज द प्लांट सेल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल. ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है. ये बस आपको टिपिकल स्ट्रक्चर आपको बस अभी दिखाया गया है. जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जब अपने स्कूल लैब में, सो आपको डिफरेंट जो सेल्स होते हैं उनकी डिफरेंट शेप्स नज़र आती हैं, लेकिन आपको सिर्फ अभी टिपिकल सेल की शेप बताई गई है. ये जो आउटर कवरिंग है, ये जो आउटर लेयर है, इसको बोलते हैं सेल सरफेस मेम्ब्रेन. इस सेल सरफेस मेम्ब्रेन के अंदर ये जो आपको हाइलाइटेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, हाइलाइटेड पार्ट नज़र आ रहा है, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जेली की तरह का, जैसे जेली होती है, जेल टाइप जो सा होता है वो लिक्विड होता है, और इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं. सेंटर में आता है न्यूक्लियस. ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर है क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स जो से होते हैं, बेसिकली इसके अंदर जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बनना होता है उसके इंस्ट्रक्शंस होती है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है कि जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा उसकी शेप कैसी होगी, इसका कलर कैसा होगा, वो उसके हेयर कैसे होंगे, उसकी आई कैसी होगी, वो सारा जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स कैसी होंगी, वो जो सारी इंफॉर्मेशन, सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर होती है. क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस सेल के मिडल वाला पार्ट होता है. ये जो स्मॉल सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये आपको, ये है वैक्यूल्स. दीज आर कॉल्ड वैक्यूल्स. ये जो वैक्यूल्स हैं ये फूड को स्टोर करते हैं. सो दिस इज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल. नाउ वी विल गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल. आप खुद ही डिफरेंस इसमें देखेंगे कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है. ये है प्लांट सेल, ये है टिपिकल प्लांट सेल. जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको इस तरह से प्लांट सेल नज़र आता है. प्लांट सेल के अंदर डबल लेयर्स होती हैं. जो बाहर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं सेल वॉल. सेकंड वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं, जो सेकंड लेयर है उसको सेल सरफेस मेम्ब्रेन ही कहते हैं, जैसे कि एनिमल सेल में कहते हैं, लेकिन बाहर वाली लेयर को बोलते हैं सेल वॉल. इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक ही बड़ा वैक्यूल होता है जो कि सेल के मिडल में होता है. सेल, प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो वैक्यूल के साथ होता है, और यहाँ पे उसको मैंने बनाया है, इसका नाम है न्यूक्लियस. अब ये जो सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर, जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन केमिकल होता है, जिसकी वजह से प्लांट हमें ग्रीन नज़र आता है. और सेकेंडली, इन क्लोरोप्लास्ट का मतलब ये है कि जब सनलाइट इन पे सेल्स पे पड़ती है तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब होती है, ताकि प्लांट अपना खाना बना सके. इन क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट अपना खाना बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब होती है. अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. एनिमल सेल है साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल एंड क्रोमोसोम. प्लांट सेल में क्या क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, ए लार्ज वैक्यूल है, क्रोमोसोम्स भी हैं, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म में सेल सरफेस मेम्ब्रेन है. लेकिन एनिमल सेल में सेल क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, एक लार्ज वैक्यूल भी नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा सारे वैक्यूल्स हैं. फिर यहाँ पे
सेल वॉल भी नहीं, प्लांट में सेल वॉल है और एनिमल में सेल वॉल नहीं है. सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल्स में हैं. सो यू ऑलरेडी हैव सी द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल एंड अ प्लांट सेल. मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.